माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। हमारे राष्ट्रीय पर्व 78वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य आयोजन स्थल यानी ऐतिहासिक लाल किले की प्राचीर से जहां से आज वे देश को संबोधित करेंगे, देश के समक्ष जो प्राथमिकताएं हैं, जो चुनौतियां हैं, उनको रेखांकित करेंगे अपने संबोधन में। माननीय प्रधानमंत्री महोदय का विधिवत स्वागत, माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा, रक्षा राज्य मंत्री श्री संजय सेठ भी यहां पर उपस्थित, रक्षा सचिव श्री गिरधर अरमने, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल डी के त्रिपाठी और जीओसी दिल्ली एरिया लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार माननीय प्रधानमंत्री महोदय को एस्कॉर्ट करते हुए गार्ड ऑफ ऑनर जहां उन्हें पेश किया जाएगा संयुक्त सेना पुलिस सम्मान गारद के द्वारा। Commander Arun Kumar Mehta informing the Prime Minister that the guard is ready for inspection and requesting him to do the inspection. And once the inspection starts, the band positioned there will strike up a slow march. प्रधानमंत्री को सलामी गारद देने वाले दस्ते में थल सेना, नौसेना और वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक एक अधिकारी और 24 जवान शामिल हैं। The inspection of the Guard of Honor complete, the Prime Minister will now move towards the ramparts of the Red Fort, passing through the Lahore Gate, or the Lahori Gate, as it is used in common parlance. The flag hoisting ceremony, in fact, at the ramparts of the Red Fort, and then the Prime Minister's address to the nation are the high point of today's celebrations here, knowing that the people of a democracy are its driving force, its engines of renewal and revival. The Prime Minister will share with the nation the progress made and outline the programs in the making, the foregrounding of inclusion, equity and growth in all development initiatives. Samman Garat ka nirikshan karne ke baad, ab Pradhan Mantri Lal Kile ki prachir ki or agrasar, vishal aur bhavya Lahori gate se guzarte hue, pravesh ke liye isme ek kaath ka pul hai, लाहौरी गेट 41 फीट ऊंचा और 24 फीट चौड़ा ऊंचा मेहराबदार दरवाज़ा, दरवाजे की 3 मंजिलें और यहां से प्रवेश करने के बाद प्राचीर पर पहुंचने के लिए सीढ़ियां हैं और अब तो यहां विशिष्ट व्यक्तियों के लिए लिफ्ट भी है। शाहजहां ने जब लाल किला बनवाया था तब यहां ये प्राचीर नहीं थी, इसे बाद में औरंगजेब ने बनवाया।
इसी दरवाजे के ऊपर प्राचीर पर पहली बार सन 1947 में भारत का राष्ट्रीय ध्वज हमारा प्यारा तिरंगा फहराया गया था 16 अगस्त 1947 को। The school children awaiting the arrival of the Prime Minister at the ramparts, and this is the first level of the ramparts. The Raksha Mantri, the Raksha Rajya Mantri, the three service chiefs and the CDS greet the Prime Minister as is tradition. In fact, today we do more than just observe tradition and ceremony. We momentarily pause and reflect on the true meaning of words that keep punctuating our conversations on every 15th of August, freedom and independence. Words that seem fairly straightforward in their meaning, but are highly nuanced in reality and real life. The endeavor of all governance, policies and programs is to ensure that these values are lived socially, financially and physically. Lal Kile ki prachir par vishisht darshak dirgha, jahan par केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य मौजूद हैं, वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक और साथ ही हाल ही में संपन्न हुए पेरिस ओलंपिक खेलों में देश को पदक दिलाने वाले यशस्वी खिलाड़ी जिन्होंने भारत का परचम फहराया और देश का नाम रोशन किया। 78वें स्वाधीनता दिवस का ये पावन अवसर है, मौसम करवट ले रहा है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन देशवासियों का जो संकल्प है, देश के प्रति त्याग और बलिदान समर्पण की जो भावना है, वो न कभी कम हुई है न कम होगी। माई भारत का लोगो तिरंगे में समाहित होकर के बहुत ही नयनाभिराम दृश्य प्रस्तुत कर रहा है। आज के इस स्वाधीनता दिवस समारोह को विशेष कलेवर प्रदान कर रहे हैं देश के कोने कोने से पहुंचे हजारों की संख्या में वे प्रतिभागी जिन्होंने भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाया है और देश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मौसम लगातार करवट बदलता हुआ, आंख मिचौली सी चल रही है, बारिश कभी थम जाती है फिर होने लगती है, और ऐसा तो हम सब मानते हैं कि शुभ अवसर पर बारिश अगर हो तो उसे और भी शुभ माना जाता है। भारत की भूमि ने सदैव वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया है। लाल किले के सामने का पूरा इलाका सर्व धर्म संभाव की शानदार तस्वीर पेश करता है। ठीक सामने बाईं ओर श्री दिगंबर जैन लाल मंदिर जी है, इसी में पक्षियों का एक चिकित्सालय भी है। इसके आगे प्राचीन गौरी शंकर मंदिर। हम सब जानते हैं कि सावन के महीने में श्रद्धालु यहां विशेष तौर पर उमड़ते हैं। गुरुद्वारा सीसगंज साहिब, त्याग और बलिदान की तस्वीर। वहीं नजदीक दरीबा के पास बैप्टिस्ट चर्च भी है, जो इमारतों की वजह से कैमरे की नजरों से दूर है। लाल किले के सामने चांदनी चौक के आखिरी छोर पर फतेहपुरी मस्जिद। पूरा इलाका शानदार तस्वीर पेश करता हुआ हमारे सर्वधर्म संभाव की स्वामी दयानंद सरस्वती का संदेश देता यह आर्य समाज मंदिर। और लाल किले के बाईं ओर भोजला पहाड़ी पर बनी जामा मस्जिद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एब्सोल्युटली, एंड नेशनल सेलिब्रेशंस हैव दिस ब्यूटिफुल वे ऑफ फोरग्राउंडिंग रियली व्हाट वी ऑल हैव इन कॉमन एंड इक्लिप्सिंग दैट which makes us different. And what better celebration than today is to unite the largest democracy in the world. And today with
much over a billion heads and hearts suffused in saffron, white and green, colors which have shed their individual identity to become one color, the color of nationhood. There is a special enclosure, again, this time for the general public. 5,000 seats have been put, and other than the VIP enclosures, in this enclosure, which is for the general public, you just need to show your identity card and you come in to the celebrations. Well, as we said, freedom has many forms of expression, and yes, the weather is one of them. Our stars, our players, and here we can see the arrival of Prime Minister Narendra Modi at the dais. राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया है और राष्ट्रीय ध्वज गार्ड के जवान इस समय लाल किले की प्राचीर के सामने से प्रस्थान कर रहे हैं और यहां पर वायु विचरण करते हुए नजर आ रहे हैं। दो एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर लाइन एस्टर्न फॉर्मेशन में, जहां पर विंग कमांडर अंबर अग्रवाल और विंग कमांडर राहुल नैनवाल पुष्प वर्षा कर रहे हैं उपस्थित जनसमूह पर। मन में फूल खिल रहे हैं और आकाश से भी पुष्प वर्षा हो रही है और भारत मना रहा है अपना